गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल। आज हम क्लास सिक्स का जो टॉपिक है हमारा वो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल का मीनिंग होता है विलेज, ना कि टाउन्स, जो शहर से लिंक्ड नहीं होता है, जो कि मतलब विलेज वगैरह आते हैं, उसमें गाँव आते हैं हमारे। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि गांव को चलाते हैं, जैसे जिसमें पंचायत आ जाती है, आपके आपके तहसीलदार आ जाते हैं। तो ये आता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, कि गांव को जो लोग चलाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन है हमारा। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। कम से कम 6 लाख गांव हैं इंडिया, पूरे इंडिया में। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इज नॉट अ स्मार्ट टास्क। देखिए, गांव के भी बहुत बड़े टास्क होते हैं, जैसे गांव में बिजली है कि नहीं है, उनको पानी की फैसिलिटी है कि नहीं, और उनको बिजली रोड की कनेक्शन, रोड जो है प्रॉपर है कि नहीं। ये एक नॉट ए स्मार्ट टास्क, कोई आसान काम नहीं है ये विलेज के नीड्स को पूरा करना। इन एडिशन, लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो नीड टू बी डेल्ट विद। इसी तरह ज़मीनों का हिसाब किताब रखना और जो झगड़े होते हैं ज़मीनों को लेकर, उनको सुलझाना भी, उनको क्लियर करना भी जो है आसान काम नहीं है। लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विद ऑल दिस। बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, जैसे रोड की प्रॉब्लम है, वाटर फैसिलिटीज़ हैं, बिजली की है, इन चीज़ों को दूर करने के लिए, इन चीज़ों की दिक्कत को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स कैन टेक अ लुक एट द वर्क ऑफ 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन सम डिटेल। इसमें हम 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक तो जो पुलिस के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे लैंड डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो लैंड के डिस्प्यूट्स देखते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे हम कि पुलिस के बारे में, तो इसमें क्या है, इसमें स्टोरी है मोहन की और रघु की, जिनकी ज़मीनें होती हैं लेकिन उनको जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ज़मीनों को लेके झगड़े होते हैं, तो वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं। देखिए, हमें हम आज भी गांव वगैरह में क्या होता है, जब ज़मीनों को लेके झगड़ा हो जाता है, किसी की ज़मीन पे कोई काम कर ले, ज़्यादा कर लेता है काम, अटैच कर लेता है अपने साथ, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो इसमें भी कहते पुलिस को बीच में आना पड़ता है। ठीक है, अब झगड़ों को सुलझाने के लिए पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस जो है इंटरफेयर करती है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। स्टोरी ऑफ मोहन एंड रघु, बोथ फार्मर्स हु ओन्ड एडजॉइनिंग लैंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड द बंट। ठीक है, ये स्टोरी है, इसमें एक मोहन और रघु दो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उन दोनों की जो ज़मीनें हैं आपस में टच करती हैं। ठीक है, आपस में एक एक साथ में उनकी ज़मीनें हैं, उनकी ज़मीन में सिर्फ स्मॉल बाउंड्री बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं बंट। वन डे रघु शिफ्टेड हिज बाउंड्री टू इंक्लूड ए पिट ऑफ मोहन्स लैंड। क्या है, द वन डे रघु शिफ्टेड हिज बाउंड्री टू इंक्लूड अ पिट ऑफ मोहन्स लैंड। जो है जो रघु है वो थोड़ी सी अपनी बाउंड्री को बढ़ा देता है और मोहन की जो लैंड है उस पर बाउंड्री बना देता है। मोहन वेंट टू आस्क रघु, ही डिक्लाइंड एंड गॉट मोहन बीट अप विद द हेल्प ऑफ हिज वर्कर्स। जब मोहन जो है रघु को बोलने के लिए जाता है कि तूने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, तो रघु है वो अपने वर्कर्स के साथ मिलके मोहन को मारता है, मोहन की पिटाई करता है। विद नथिंग एल्स लेफ्ट टू डू, मोहन वेंट विद आई विटनेसेस टू लॉज अ कंप्लेंट एट द लोकल पुलिस स्टेशन। जब रघु मोहन की पिटाई करता है वर्कर्स के साथ, तो मोहन क्या करता है, जो आई विटनेस होते हैं, जो लोग देख रहे होते हैं लड़ाई झगड़ा, उनको लेके वो जाता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन भी जो कंप्लेंट फाइल करती है वो अपने एरिया की करती है, जहाँ जो एरिया उसके अंडर आता है। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एटसेट्रा। देखिए, जब कभी चोरी हो जाती है या कोई जख्मी हो जाता है, कभी लड़ाई झगड़ा होता है, सीधे हम लोग कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन। तो उस टाइम भी जब मोहन रघु का झगड़ा हुआ तो वो भी पुलिस स्टेशन गए, तो जो गाँव के लोग थे, जब कहीं चोरी हो जाती थी, कोई एक्सीडेंट होता था या कोई जख्मी हो जाता था या कोई लड़ाई झगड़ा होता, तो कहाँ जाते थे वो लोग, पुलिस स्टेशन। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ द स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। क्या है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन।
उस जगह का जो पुलिस स्टेशन है, उस जगह की जो पुलिस है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो झगड़ा होता है कि वो इंक्वायरी करे कि कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है इस लड़ाई झगड़े का, टू इन्वेस्टिगेट कि किसने लड़ाई शुरू करी एंड टेक एक्शन। और जिसने जिसने जुर्म किया होता है, जिसने लड़ाई झगड़ा किया होता है, जो गुनहगार होता है उसके खिलाफ कोई एक्शन ले जो उस एरिया में आते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस। ठीक है, जो पुलिस है वो क्या करती है, वो जो विलेज में जो क्राइम वगैरह हो रहे होते हैं, चोरियां वगैरह होती हैं, लूटपाट होती हैं, उनको टैकल करती है। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा एंड थैंक यू।